क्वेश्चन है अ स्टूडेंट ड्रॉप्ड फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल इन डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेंट इन अ टेस्ट ट्यूब द इ्ड गैस वॉज देन पास थ्रू लाइम वाटर एक स्टूडेंट मार्बल के कुछ पीसेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालता है डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो कि एक टेस्ट ट्यूब में है अब यहाँ पर है कि इवॉल्व गैस वॉज देन पास जो गैस इवॉल्व होगी जब रिएक्शन होगा तो गैस निकलेगी वो गैस लाइम वाटर के थ्रू पास की जाती है फिर आपसे तीन क्वेश्चन यहाँ पर पूछें पहला है कि वॉट चेंज वुड बी ऑब्जर्व इन लाइम वाटर लाइम वाटर में क्या चेंज दिखेगा दूसरा क्वेश्चन है वॉट विल हैपन इफ एक्सेस ऑफ गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर यदि हम ज्यादा गैस को पास करेंगे तब लाइम वाटर में क्या होगा एंड थर्ड है विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर ऑल द चेंजेस एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस तो यहाँ पर फिर आपसे कहे कि यहाँ पर आप एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन सारे चेंजेस को पहला चेंज है कि आपने मार्बल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कर रिएक्शन कराया दूसरा चेंज है लाइम वाटर में क्या हुआ उससे और जब हमने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास की तब क्या हुआ तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है स्टूडेंट ने मार्बल पीस को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ऐड किया मार्बल बेसिकली क्या है मार्बल इज केमिकली यदि हम कहेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट है ठीक है तो हम यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं उस टेस्ट ट्यूब में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या ये यह यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है साथ में हमने लिए हैं कुछ पीसेज यहाँ पर जो कि है मार्बल के पीसेज मार्बल के आपका कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला होगा सी ए सी ओ थ्री राइट फिर यहाँ पर आपसे पूछा है वॉट चेंज वुड बी ऑब्जर्वड अभी यहाँ पर क्या होगा जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एक गैस का इवोल्यूशन होगा ये लिखा है देन पास टू लाइम वाटर अब इस गैस को क्या है लाइम वाटर में पास किया जाएगा तो सपोज़ यदि हम देखें तो हम किस तरह से पास कर सकते हैं यहाँ पर हमने सपोज एक बैंड ट्यूब ले लेना है राइट right? और उस बैंड ट्यूब के सहारे हम यहाँ पर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे लाइम वाटर सपोज राइट यहाँ पर हमने क्या लिया ये दूसरी टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और इसमें हम लेंगे लाइम वाटर राइट अब लाइम वाटर क्या होता है केमिकली ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर लाइम वाटर और ये केमिकली होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच का होल्ड तो लाइम वाटर में जब ये गैस पास की जाएगी तो हमें पूछा आपसे वॉट चेंज वुड बी ऑब्जर्व इन लाइम वाटर तो हम देखेंगे कि जो लाइम वाटर का कलर है ना वो मिल्की होगा राइट right? दूसरा फिर पूछा है कि वाट विल हैपन इफ़ एक्सेस ऑफ गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर जब एक्सेस में गैस पास होगी तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की नहीं रहेगा उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा तो ये सब हमको यहाँ पर लिखना भी है और विद द हेल्प ऑफ इक्वेजन्स पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है यहाँ पर मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि आप पूरा स्टेप बाई स्टेप लिख करके दिखा दिए आंसर तो मैं वही यहाँ पर लिख कर आपको दिखा देती हूँ आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर कि मार्बल इज केमिकली मार्बल इज केमिकली ठीक है तो जो मार्बल है हमारा केमिकली क्या है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और व्हेन डाइल्यूट एच सी एल इज़ एडेड टू कैल्शियम कार्बोनेट जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट में डाइल्यूट एच सी एल को ऐड किया है इट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड जो हमने देखा यहाँ पर रिएक्शन लिखी है हमने यहाँ पर कि ये कैल्शियम क्लोराइड बनता है जो ये चैप्टर एसिड बेसिस से है तो अभी यदि तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है समझने में दिक्कत हो ये उसी चैप्टर का है और ये रिएक्शन उस चैप्टर में है कि जब भी कोई कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होगा तो ये उस चैप्टर से रिएक्शन है नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना इसको और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा राइट तो यहाँ पर आपका ये रिएक्शन है पहले क्वेश्चन की ठीक है इट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को देखो सी ए सी ओ थ्री है यहाँ पर सी ए वन है यहाँ पर यहाँ पर भी सी ए वन है कार्बन भी वन है और कार्बन यहाँ पर भी वन है ओ थ्री है ओ टू और वन थ्री है ये भी ठीक है लेकिन सी एल यहाँ पर टू है और एच वी टू है यहाँ पर एच सी एल वन है तो यहाँ पर हम टू लिख देंगे अब यहाँ पर हमारी रिएक्शन क्या है बैलेंस हो जाती है तो हम पहली रिएक्शन हम देख सकते हैं इस जो आपका टॉपिक है जो पूछा गया है कि एक गैस इवाल्व होती है तो यहाँ पर हमें क्या क्लियर हो जाता है कौन सी गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है राइट नेक्स्ट अब वॉट चेंज वुड बी ऑब्जर्व इन लाइम वाटर लाइम वाटर में क्या चेंज होगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इट टर्न्स गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ठीक है ये क्या करेगी जो लाइम वाटर उसको मिल्की कर देती है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ये आपका इसका आंसर आ जाता है अच्छा मिल्की क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर एक और नया कंपाउंड बनेगा जो कि होगा कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में पास किया है तो फिर से हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा तो यहाँ पर क्या हुआ जो हमने गैस पास की कार्बन डाइऑक्साइड ये हमने लाइम वाटर दिखाया यहाँ पर लिया हुआ है ये तो लाइम वाटर में क्या हुआ कि ये लाइम वाटर कलर मिल्की होगा इट एपियर्स मिल्की ठीक है लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की यहाँ पर मिल्की कर दो इसको ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ एन इनसॉल्वल सॉल्ट ठीक है कभी भी ये जो कलर आपको अपेयर होगा वो इनसोल सॉल्ट की वजह से होगा तो यहाँ पर ये कलर आपको कैसा दिखेगा मिल्की दिखेगा किसकी वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है ठीक है ये एक तरह का प्रेसिपिटेट होता है ये एक तरह का इनसोल सॉल्ट है ठीक है इसकी वजह से मिल्की कलर होगा तो यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट है आपका व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस ऑफ गैसेज पास थ्रू लाइम वाटर अब यदि हमने एक्सेस ऑफ गैस पास की तो एक्सेस ऑफ पास गैस के लिए हम कौन सी रिएक्शन लिख सकते हैं देखो ऑलरेडी हमारा ये प्रोडक्ट है ठीक है ये प्रोडक्ट है इसमें हम और कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दे रहे हैं तो यानी कि सी ए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ ठीक है ऑलरेडी हमारा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनाइट और वाटर है साथ में हमने और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते रहे यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट और ये वाई कार्बोनेट जो है ये प्रेसिपिटेट बना था जो कि इन था लेकिन यहाँ पर ये क्या बना है सोल्यूबल बना है अब ये सोल्यूबल बना है तो जो मिल्की कलर था वो डिसपियर जाता है आप पर आप लिख देंगे ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की कलर डिसपियर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्यूबल इन वाटर तो ये वाटर में सोलबल होता है तो यहाँ पर जो आपसे पूछे थे तीन क्वेश्चन पहला था कि जब कौन एक गैस पास हो रही है तो यहाँ पर हमें बताना था गैस कौन सी है हमने ये बता दिया है यहाँ पर वॉट चेंजेस वुड बी ऑब्जर्व इन लाइव वाटर दिस ऑल्सो हमने डर्न कर लिया है और फिर वॉट विल हैपन इफ एक्स ऑफ गैसेज पास थ्रू द लाइम वाटर फिर पूछा आपसे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हमने सारी केमिकल इक्वेशंस और जो ऑब्जर्वेशन है वो कर लिए ठीक है यानी गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है लाइम वाटर मिल्की कर देगा वो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें पास करेंगे लाइम वाटर में और जब हम ज़्यादा लाइम वाटर को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो लाइम वाटर का कलर मिल्की नहीं रहेगा वो डिसएपियर हो जाएगा तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है आई होप बहुत अच्छे होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू